सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पेन चला गया, नीचे भी गया। सीधा सौदा के शुक्रवार के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। जतिन और मैं कोशिश करेंगे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग 20 स्टॉक्स आपके सामने रखें जो आज के ट्रेडिंग सेशन में किन्हीं वजहों से हरकत में रह सकते हैं। पर ये सिर्फ अपनी स्क्रीन में ऐड करिएगा। ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा बेहतर आप प्लेस्ड हो, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़्यादा बेहतर आपको बताएगा। खैर, मूड कैसा ही समझा दो, मूड तो बढ़िया है वैसे। इतने इवेंट पैक्ड, एक्शन पैक्ड हफ्ता और शेयर मार्केट के लिहाज से डिसअपॉइंटिंग कुछ आउटकम्स, उसके बावजूद चाल इंटैक्ट है। लास्ट वीकली साइकिल जहां कल निफ्टी एक्सपायरी हुई थी, बढ़िया वीकली साइकिल रही, बढ़िया गेन निफ्टी, निफ्टी बैंक, मिड कैप सब में देखने को मिले आपको। तो हमने बड़े बड़े झटके आसानी से डाइजेस्ट करे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज सुबह की शुरुआत थोड़ी सी फ्लैटिश नोट पे होगी। खैर, मैं क्विकली पिच और मूड मॉल दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की तरफ बढ़े। दिखाइए भाई, स्टेडियम, ग्राउंड, पिच, क्राउड सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। पिच बढ़िया ही है क्योंकि यूएस का हैंडओवर ठीक ठाक है। अच्छा, यूएस के बियॉन्ड झांकेंगे तो ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक सरप्राइज स्प्रिंग अप करा। खैर, लग रहा था लेकिन सब मान रहे थे फेड के बाद पूरी दुनिया मूव करेगी। ईसीबी ने ब्याज दरें कल घटा दी 2019 के बाद पहली बार, और उसके घटाने के बाद स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि अब अगला मूव फेड की तरफ से आएगा और शायद फैक्टर इन हो रहा है कि ईज ऑफ इन सितंबर। बिल्कुल, और ऐसा हुआ और हमारा मॉनसून बढ़िया रहा तो आप एक्सपेक्ट करिए कि इस साल के लास्ट क्वार्टर में या इस साल जाते जाते हमारे, जिनकी फोटो आपको नीचे दिख रही है, शक्तिकांता दास साहब और इनकी एमपीसी भी शायद यहां पे हो सकता है दरों में कटौती की शुरुआत करें। खैर, मूड मॉल ठीक ही है, हैंडओवर बढ़िया ही है पिच की तरफ से, और डोमेस्टिक संकेत ऐसे हैं कि आज वो एनडीए के घटक दलों की बैठक है अपना, और जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज हैं दरअसल आज वो बैठक करेंगे, अपना लीडर चुनेंगे। खैर, आंसर पता है हमको, और फिर राष्ट्रपति भवन वो कम्युनिकेट जाएगा और फिर इस वीकेंड शायद शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। ये सब इवेंट्स हैं जिसपे हम लोग पोजिशनिंग कर रहे होंगे। और हाँ, क्रेडिट पॉलिसी भूलना नहीं चाहिए, हालांकि नॉन इवेंट होगी लेकिन दास साहब की कमेंट्री इस बीच इंपॉर्टेंट हो सकती है। पर लगता है कि आज दास साहब भी थोड़ा ईसीबी को देख के कार्ड देते हैं, मुझे नहीं लगता, लॉजिकली करना नहीं चाहिए। वैसे ऐसा कभी ना नहीं बोलने का है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मंगलवार को देख लिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, कैसी टीम बनी और शुरुआत कहां से हुई है? तो देखिए, शुरुआत के तीन स्टॉक्स के बारे में जिक्र कर लेता हूं आशीष। सबसे पहले वेदांता, और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो कंपनी की डीमर्जर है, 5 हिस्सों में वेदांता का डीमर्जर अनाउंसड हुआ है। तो लेंडर्स का और मेजॉरिटी क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का भी एक अप्रूवल आता हुआ नज़र पड़ा है इस पर्टिकुलर डीमर्जर को लेके। देखते हैं किस तरीके से ये एक्सचेंजेस को कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के बाद शायद यहाँ सेंटिमेंट आपको पॉजिटिव नज़र आता हुआ नज़र पड़े। विप्रो, और बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट, लगभग $500 मिलियन की US कम्युनिकेशन सर्विसेज कंपनी से इनको एक डील मिलती हुई नज़र पड़ी है। कहीं ना कहीं कंपनी मैनेज सर्विसेज कोई प्रोडक्ट्स के लिए और इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ों के लिए प्रोवाइड करेगी। 500 मिलियन का ऑर्डर यानी बहुत बड़ा ऑर्डर विप्रो के हाथ लगा है, तो शायद ये भी आज मोमेंटम में रहे। और ऐसे भी ECB ने ब्याज दरें काटी हैं, तो ऐसे भी आज मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स ठीक ठाक मोमेंटम दिखा सकते हैं। तीसरा स्टॉक और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बजाज फाइनेंस में, RBI के डायरेक्टिव्स के बाद बजाज फाइनेंस अपनी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO की तैयारी कर रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO बजाज फाइनेंस के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, और ये जो बजाज हाउसिंग का IPO आएगा ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए का आएगा, और बजाज फाइनेंस ही इसके अंदर अपना हिस्सा बेचता हुआ नज़र पड़ सकता है। 4,000 करोड़ का IPO और बजाज फाइनेंस आज फोकस में रहेगा। तो ये तीन स्टॉक्स, वेदांता, विप्रो और बजाज फाइनेंस, रखिए अपने रडार पे। ओके, शुरुआत करी थी कुछ पार्टनरशिप्स के अनाउंसमेंट्स की, IT मैस्टेक को लेकर कंफर्ट, बिल्कुल ठीक है। मैस्टेक का एक्सपोजर भी US और यूरोप में है, लार्जली यूरोप में है, लार्जली UK में है, और US में पैर जमाने की अब लगातार कोशिश चली रही है।
तो एनवायरमेंट इसके लिए आज कंड्यूसिव है, और ऊपर से कल एनवीडिया के साथ वैसे भी लगातार वो पार्टनरशिप एक्सपैंड हो रही है, और उसी कड़ी में कल भी एक अनाउंसमेंट आया था कि कोई एक नया प्लेटफॉर्म एनवीडिया के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं, उसकी डिटेलिंग स्क्रीन पर आ जाएगी। AI प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो मैस्टेक को ग्रीन रखा है इन सब डेवलपमेंट्स के बीच, और IT को लेकर स्ट्रीट में कॉन्फिडेंस कंफर्ट बढ़ रहा है। अंडर ओन्ड पॉकेट है वैसे ध्यान रखिएगा। मुथूत माइक्रो फाइनेंस या माइक्रोफिन सॉरी, इसने भी एक करार अनाउंस करा दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक स्ट्रैटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप। अब इसके कॉन्टोर्स क्या होंगे, दरअसल रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों में और सेमी अर्बन रीजन्स देश भर में, वहां पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सेवाएं मुहैया कराने के लिए ये मुथूत माइक्रो और SBI के बीच में एक को लेंडिंग पार्टनरशिप हुई है। तो SBI के लिए तो नहीं, लेकिन मुथूत के लिए मैं हरा मान के चल रहा हूं, ग्रीन रखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। फिर उसके बाद कल शाम को कुछ सर्किट फिल्टर रिविजन्स के अनाउंसमेंट्स हुए। अब उसमें हम दोनों सबसे पहले जाके क्या झांक रहे थे, 5 का 20 कौन सा हुआ, लिस्ट तो वहीं तक रखने का है। तो 5 से 20 में मैंने 2 चुने, आदित्य बिरला मनी AB मनी, इसका सर्किट फिल्टर आज से इफेक्टिवली, कल 5% का सर्किट था, आज वो बदल के 20% का हो गया है, हरकत में आना चाहिए ये काउंटर। और ऐसे ही सीमेक, जैसे इसी हफ्ते की शुरुआत में भी मेंशन करा था, जब इसके एक वेसल को एडिशनल चार्टर के साथ 1 महीने के लिए डिप्लॉय कर लिया था, आपको याद होगा, उसके बाद ये मूव करना शुरू कर चुका था, और अब इसका भी सर्किट फिल्टर 5% बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो ये दोनों स्टॉक्स आज 5 से 10 हुआ है, नहीं नहीं मैंने गलत दिख दिया होगा, 5 से 20 वाले हैं दोनों स्टॉक, सॉरी इसको ग्राफिक को भी ठीक कर दीजिएगा, मैंने ही गलत भेजा होगा, 5 से 20% वाली कैटेगरी में। तो अब इसमें लेकिन इसीलिए कहता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करने की जरूरत, क्योंकि इसमें जो खुलते यूफोरिक मूव्स आने आ जाएंगे उसके बाद ये इस न्यूज पे उसके बियॉन्ड दमखम दिखा नहीं पाएंगे, पर ये आज हरे में दिखने चाहिए आपको, AB मनी और सीमेक। बिल्कुल, तो ये तो सर्किट फिल्टर की बात हुई, मैं भी बताऊंगा 2 स्टॉक्स जो मैंने चुने हैं इस पर्टिकुलर थीम पे, लेकिन 3 सरकारी कंपनीज फोकस में रहेंगी। ऐसे भी PSU स्टॉक्स बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे थे येस्टरडे, शायद आज एक फिर से मुंह आता हुआ नज़र पड़े सिलेक्ट स्टॉक्स में। नज़र रखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे, क्योंकि जून 11 को इनकी बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग को लेके, ऑब्वियसली फंड रेजिंग इंक्लूडिंग इक्विटी है, तो देखते हैं ये कंपनी QIP के जरिए या राइट्स इशू के जरिए या कौन से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से फंड रेज करना चाहती है। एक्सचेंजेस पे अनाउंसमेंट आया पोस्ट मार्केट आज, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रखेंगे अपने रिडार पे। इसके अलावा हडको, ये भी एक स्टॉक आज फोकस में रहेगा, येस्टरडे काफ़ी शानदार मोमेंटम था इस काउंटर में। कंपनी ने एक MOU साइन किया है विथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लेंडिंग के लिए और फर्दर फाइनेंस कॉपरेशन के लिए। इसके अलावा कंपनी को फाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इस MOU के तहत प्रोवाइड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फोकस में रहेगा, और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के साथ जो JV हुआ है उसके कारण आज ये स्टॉक मैं हरे में लेके चल रहा हूँ। और तीसरी जो सरकारी कंपनी है कैनफिन होम्स, ये भी फोकस में रहेगा, क्योंकि आज कंपनी ने बोर्ड बैठक में अप्रूव कर दिया है 1,000 करोड़ रुपये का फंड रेजिंग। ऑब्वियसली AGM में शेयर होल्डर्स भी इस चीज़ को अप्रूव करेंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा फिर से एक बार कैनफिन होम का फंड रेज, क्योंकि आइदर QIP आइदर राइट्स इशू मुझे लगता है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, इन दो जरियों से कैनफिन होम्स भी फंड रेज कर सकती है। तो ये सारे स्टॉक्स आशीष फोकस में लेके चल रहा हूँ, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नहीं मेरे बच्चे आपके बच्चे आज आपने शुरू करा ना, तो मेरी एंडिंग मेरी है। ठीक है, 2 और स्टॉक्स हैं उसके बाद ब्रेक लेते हैं। आज दरअसल एक कंपनी है बोरोसिल साइंटिफिक नाम की, वो लिस्टिंग के लिए आ रही है, तो एक पैक वैसे ही मिल गया, क्योंकि इस ग्रुप की कुछ कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं और पिटी हुई हैं, तो अगर वो मूड मॉल हुआ तो शायद ही हरकत में आए। पर कंपनी के बारे में बता देता हूँ, आप तो सिर्फ वॉच आउट करिएगा। बोरोसिल लिमिटेड पहली, ये जो कंपनी लिस्ट होने आज आ रही है वो ग्लास, आर्म पॉलिश, ट्यूबुलर ग्लास वायरल्स वगैरह फार्मा कंपनीज के लिए बेसिकली ग्लास प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। अब बोरोसिल ग्रुप की ऑलरेडी 2 लिस्टेड एंटिटीज हैं, बोरोसिल लिमिटेड और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, दोनों स्क्रीन पर रख दीजिए। चलिए, बोरोसिल से पहले बोरोसिल रिन्यूएबल्स डीमर्ज हुई थी, और खैर बोरोसिल तो 3,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पे चलती है, रिन्यूएबल्स अब 6,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पे खड़ी हुई है। अब उस रिन्यूएबल्स में से फिर डीमर्जर हुआ था,
तो डीमर्ज एंटिटी ऑलरेडी लिस्ट हो गई थी आके बोरोसिल रिन्यूएबल्स, और जो डीमर्ज हुआ है बोरोसिल साइंटिफिक, आज उसकी लिस्टिंग है। ये जो बोरोसिल लिमिटेड है इस देश की मार्केट लीडर है कंज्यूमर ग्लासवेयर और किचनवेयर में, जो अपन घर पे बोरोसिल के प्रोडक्ट्स देखते हैं, ये ऑफ हाई ट्रेड कर रही है। मेरे ख्याल से 425 के आसपास साल के हाईस थे वो, उसके बाद ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक था, आज रडार पर रखते हैं। ऐसे ही बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो है वो दरअसल सोलर ग्लास वो जो बनाया जाता है उसमें सबसे बड़ा लीडर है, मेरे ख्याल से पहली और लार्जेस्ट कंपनी है उस स्पेस की। ये भी वैसे 750 के हाईस थे, 450 पे ट्रेड कर रही। दोनों ठंडे पड़े हुए स्टॉक्स हैं, देखते हैं आज मूव आता है नहीं आता, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स आज उस लिस्टिंग के चलते रडार पे रखी है। 6-6 हो गए, क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4-4 स्टॉक्स पर बातचीत। फिर से एक बार स्वागत है सीधा सौदा में, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शो आशीष। बिल्कुल सीधा सौदा, और जो 6-6 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, अब समय हो गया है 4-4 स्टॉक्स डिस्कस करने का। मैंने बेहतरीन इसके लिए क्या कहा, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा है अभी शो के बजट आ गया है, टाइम कम है, जल्दी जल्दी निपटाओ। हाँ, ऐसा बोले क्या? तो देखिए जो बचे हुए 4-4 स्टॉक्स हैं उनमें सबसे पहले मेरी तरफ से RVNL, फिर से एक बार 500 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर आपको आते हुए नज़र पड़े हैं, और NTPC यहाँ से इनको एक ऑर्डर मिला है लगभग 500 करोड़ रुपए का। दो स्टॉक्स जो सर्किट फिल्टर रिवीजन कैटेगरी में आए हैं, एक्सचेंज सर्कुलर यस्टरडे आया है 5% से, इन दोनों स्टॉक्स का जो सर्किट लिमिट है 20% हुआ है, तो सेंटिमेंटली आज शायद मोमेंटम में रह सकते हैं। सबसे पहले सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा TFCI यानी टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दोनों स्टॉक्स हरे में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सैल्जर और TFCI ये दोनों ही स्टॉक्स आज अच्छे वॉल्यूम के साथ फोकस में रह सकते हैं। और आखिर में जो स्टॉक है लाल, एक ही स्टॉक जो है वो रेड में लेके चल रहा हूँ, वो है SRF, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ एक डाउनग्रेड किया है। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि केमिकल शेयर्स अभी भी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, कहीं ना कहीं अर्निंग्स पर प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसीलिए इन्होंने SRF को डाउनग्रेड करके इक्वलवेट किया है और टारगेट भी काटा है। SRF का नया टारगेट है 215 है, यानी 2115 रुपये, जो लगभग 2550 रुपये के ऊपर इनका पहले का टारगेट था। तो टारगेट कट और डाउनग्रेड के बाद SRF शायद आज थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ खुल सकता है। आशीष, कल कुछ लार्ज ट्रेड्स हुए थे, उसमें से कुछ ही सिंगल आउट करे हैं। एक तो PB FinTech, इसको लाल लेके चलता हूँ। कल एक लार्ज ट्रेड में टेंसेंट क्लाउड यूरोप ने 33 लाख शेयर्स इस कंपनी के बेच दिए। खैर शाम होते तो एक अपडेट भी आया था कि सेबी का शो कॉज नोटिस आया है इस कंपनी के CEO के पर, $2 मिलियन के जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने करे थे उसको लेकर। खैर उस डिटेलिंग में नहीं, जो भी है लाल निशान में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लग रहा है आज दबाव के साथ हो सकता है ट्रेड कर सके। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है बहुत लोगों के लिए, मैसिव अंडर परफॉर्मर, लंबी चार्ट उठा के देखिएगा, दबाव गहराता ही चले जा रहा है, और इस तरह के प्रेशर के बावजूद फंड्स एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं। मैं इसे कह रहा हूँ आप सब कॉशियस रहिए, क्योंकि कई लोगों के सवाल साज वगैरह में स्टॉक रिलेटेड आते हैं। तो आप विजडम ट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो ने कल ऑलमोस्ट 2.25 लाख शेयर्स के आसपास बेचे हैं, ये अंडर परफॉर्मेंस कुछ कंसर्न के बीच में स्टॉक की जो दिखाई थी डायरेक्टर साहब ने। पोनी शुगर इरोड, कल लार्ज ट्रेड्स में कई सारे छोटे 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 पीसफुल ट्रेड्स हुए थे, FIIs ने माल छोड़ा, पर वो सारा का सारा 4.25 लाख शेयर्स के आसपास इसी कंपनी की प्रमोटर एंटिटी सिशसाई पेपर एंड बोर्ड्स ने एक्वायर कर लिया। प्रमोटर की बाइंग के चलते इसको मैं रखता हूँ ग्रीन, हालांकि यार आमतौर पर जनरली रडार पे आता नहीं, पता नहीं कितने दिनों बाद तो इसका नाम भी इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हो रहा है। और फाइनली फ्राइडे है आज, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज के साथ शो की समाप्ति, मतलब इसलिए नहीं कि फ्राइडे है। इस कंपनी ने कल एक अनाउंसमेंट करा बाजार बंद होने के बाद कि महाराष्ट्र बाजारों के लिए, महाराष्ट्र मार्केट के लिए अपना नया ब्रांड क्वीन फिशर प्रीमियम लागर बियर इन्होंने कल लॉन्च कर दिया। तो माइल्ड बियर सेगमेंट जो है उसमें ये उतरता हुआ, इसका नाम, इसका टैगलाइन पता है क्या है? क्वीन फिशर प्रीमियम लागर बियर, द क्वीन ऑफ गुड टाइम्स।
हालांकि इनका कहना है कि बड़ा अच्छा पहले सबसे पहले गोवा में आया था। दिखा सकते हैं क्या हम लोग प्रोडक्ट? अब दिखाते नहीं है, खाली बताते दिखाते नहीं है। बजट बढ़ गया, अभी शो का बजट बढ़ गया है, दिखा नहीं रहे सब। गोवा में, असम में, मेघालय में कार्य बहुत सारे, पहले गोवा में लॉन्च हुई थी, उसके बाद कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, अब बड़ा प्रोमिनेंट मार्केट महाराष्ट्र में लॉन्च करते हुए। खैर देखते हैं, बहाना मिल गया, खबर मिल गई। स्टॉक वैसे ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, बढ़िया रिकॉर्ड हाईज के आसपास खड़ा हुआ है, तो आप बस खबर को एंजॉय करिए, स्टॉक आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो 10-10 स्टॉक जो हम लोगों ने बातचीत करी थी उसका एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज जो 10 सीधा सौदा के स्टॉक्स हाईलाइट करे थे वो आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे, किसी ना किसी वजह से ये आज लाल और हरे के बीच शायद झूल सकते हैं। मैस्टेक ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप डीपन करी, तो मुथूत माइक्रोफिन ने एसबीआई के साथ करार करा। आदित्य बिरला मनी और सीमेक, ये वो दो स्टॉक्स हैं जिनके सर्किट फिल्टर्स 5% से बढ़ाकर 20% कर दिए गए आज से इफेक्टिव। एक कंपनी बोरोसिल ग्रुप की आज लिस्ट होने आ रही है, तो उसी के पीयर्स, उसी ग्रुप के बाकी लिस्टेड स्टॉक स्क्रीन पर रख दिए, बोरोसिल और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, दोनों ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं, ठंडे काम काज कर रहे हैं। पीबी फिनटेक और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लाल में इसीलिए क्योंकि कल लार्ज ट्रेड हुए थे जिसमें कुछ मार्की इन्वेस्टर्स चेकआउट कर रहे हैं इन स्टॉक से, पर पॉनी शुगर ऐसे ही लार्ज ट्रेड में प्रमोटर्स ने कल माल खरीदा इसीलिए हरा करा। और यूनाइटेड ब्रेवरीज नहीं, इट्स फ्राइडे तो ठीक है लेकिन एक प्रोडक्ट महाराष्ट्र के बड़े बाजार में लॉन्च किया इन्होंने। बिल्कुल, और आशीष के बाद मेरी जो 10 की टीम है उस पर नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें लार्ज कैप्स में फोकस में रहेगा वेदांता। एसबीआई और क्रेडिटर्स ने इनके डिमर्जर को अप्रूवल दे दिया है, ऐसा मनी कंट्रोल की रिपोर्ट आई है। स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। इसके अलावा विप्रो ने $500 मिलियन की बड़ी डील अनाउंस की है जिसके बाद आज स्टॉक फोकस में रह सकता है। बजाज फाइनेंस अपनी हाउसिंग फाइनेंस आर्म के 4,000 करोड़ रुपए के आईपीओ को मंजूरी देता हुआ बोर्ड नजर पड़ा है। इसके अलावा 3 सरकारी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हटको, कैनफिन होम्स, सारे के सारी कंपनीज ने कहीं ना कहीं एक फंड रेजिंग से लेके एमओयू साइन किया है, तो शायद यहाँ आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आरवीएनएल एनटीपीसी से लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने जीता है। साइल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स और टीएफसीआई, ये दोनों स्टॉक्स पर नज़र रखें, 5% से सर्किट फिल्टर रिवाइज होकर अब 20% हो चुका है। और आखिर में एसआरएफ ब्रोकरेजेस के रडार पे है, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। तो सीधा सौदा को समेटते हैं और मुनाफे की तैयारी शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल आपके स्क्रीन्स पे। अनुज, आज फ्राइडे है और बहुत थकान भरा वीक है, बहुत वॉलीटिलिटी हुई है, एफआईएस भी बेच बेच के थक चुके हैं। 25,000 करोड़ में देख रहा था पिछले 3 दिनों में इन्होंने शेयर बेचे हैं, लेकिन इंडेक्स पर कोई फ़र्क नहीं, मतलब हम जो लास्ट फ्राइडे के लेवल पर थे वो इस फ्राइडे के लेवल पर हैं। क्या आपकी रीडिंग है मार्केट्स की? गेटिंग गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत वॉलेटाइल वीक रहा है और फ्राइडे को सुबह सुबह अब अगर आप थक गए हैं तो अपना मोबाइल ऐप खोलिए और हाईलाइट देखिए, कल यूएसए ने पाकिस्तान को हराया। सो